माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो क्या माफियाओं को हम फूलमाला लेके उनका कहेंगे आइए गोली मारिए मुझे भी मार दीजिए और चले जाइए? अखिलेश जी को उनके जनाजे में जाने की तैयारी करना चाहिए। समाजवाद के नाम पर ये माफियावाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं, अखिलेश जी को बार बार जनता ने उनकी औकात दिखाई है और 2024 में भी उनकी औकात दिखाएगी जनता। नमस्कार, मैं आपके साथ गौरव अवस्थी इस वक्त प्रयागराज पर मौजूद है और प्रयागराज से खबर है जो सुर्खियों पर है। एनकाउंटर अतीक अहमद के एक तरीके से बेहद करीबी जो कहा जा सकता है। अतीक अहमद का ड्राइवर था, ड्राइवर के बेटे का अरबाज का एनकाउंटर कर दिया गया। करीब 9 लोग उमेश पाल की हत्या में शामिल थे। अब अतीक अहमद की वाइफ कह रही हैं कि एक तरीके से उनको योगी जी को पत्र लिखा है और कह रही हैं कि उन्हें डर लग रहा है कि यहाँ के SSP और पुलिस प्रशासन कुछ गलत ना कर दे उनके पति के साथ, अकीक अहमद के साथ। तो आज हम यहाँ के वकीलों से ही बात करेंगे कि ये लोग क्या कुछ कहते हैं। नाम बताइए। मैं ओम प्रकाश द्विवेदी। द्विवेदी जी, ये एनकाउंटर को आप कैसे देख रहे हैं? एनकाउंटर क्या, पूरा प्रदेश देख रहा है। जो व्यक्ति अधिवक्ता उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो जिस तरीके से उनकी हत्या की गई है, एक तरीके से अपनी दहशत को व्याप्त करने के लिए, अपनी गुंडागर्दी को दिखाने के लिए, और ये बताया जा रहा है कि अपराधी अभी अपराध उत्तर प्रदेश से खत्म नहीं हुआ है, और जो इनकाउंटर जिसको लोग आप कह रहे हैं, जो व्यक्ति खुलेआम जिसको किसी का न डर है, आप देखिए वीडियो फुटेज में आया है, खुलेआम जा रहा है और लगातार पूरी टीम मिलकर के कोई बम फेंक रहा है, धड़ाधड़ गोली मार दे रही है, जो सुरक्षा कर्मी उनको गोली मार दी जा रही है। और जब क्या ऐसे अपराधी को जब आप पकड़ने जाओगे तो वो क्या फूलों की माला लेके स्वागत करेगा? जब कोई गोली बरसाने का काम करेगी तो सामने से हमारे जवान, हमारे सिपाही निश्चित तौर पर ऐसे आदमी को जान से मार देगी, क्योंकि उनको अपनी भी रक्षा करनी है। और सबको पता है जिस प्रकार से ये दिख रहा है, पूरा देश, पूरा प्रदेश, पूरा विश्व देख रहा है। और बाबा जी ने सदन में कहा है कि हर उस माफिया को हम मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, तो मिट्टी में मिलाने का काम यही होगा कि जो अगर अपना हथियार उठाने का काम करेगा उसको हथियार से जवाब देने का काम भी पुलिस हमारी करने के लिए सक्षम है। कोई माला पहनाने के लिए पुलिस नहीं खड़ी है कि आप सामने से गोली चलाओ और हम दिखावा करने के लिए गोली खा ले और उसके बाद हमारा सिपाही, हमारा जवान, हमारा वकील मरता जाए और कोई कुछ ना करे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मतलब ये प्रशासन जो है सरकार को खुश करने के लिए बड़ी कार्रवाई कर, निश्चित तौर पर अखिलेश यादव यही कहेंगे क्योंकि इनको शरण भी इन्हीं ने दिया था। अतीक अहमद जो आज इतना बड़ा माफिया बना है, वो समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए सांसद बना, ये फले फूले किसकी सरकार में? आखिर तौर पे आज कोई भी माफिया उत्तर प्रदेश में आवाज़ उठाने से डरता था? आज कोई भी माफिया जब आवाज़ उठाने के पहले सोचता है? और ये कार्रवाई बताती है कि आने वाले अपराधियों को अपने दिलों के अंदर दहशत भर लेनी चाहिए, या तो तुम यहाँ रहोगे या तो तुम वहाँ रहोगे, ये तय है। अगर पुलिस के सामने गोली चलाने का काम करोगे तो गोली का जवाब गोली से देना। हमारी सिपाही, हमारे जवान जानते हैं, वहाँ मतलब सीधा ऊपर, वहाँ मतलब अगर आप गोली मारोगे तो क्या हमारा सिपाही यहाँ रहेगा? आखिर तौर पे इस बात का अखिलेश यादव जवाब देंगे? जो उमेश पाल की हत्या हुई, जो उनका गनर मारा गया, एक गनर इंजर्ड है, उस इलाज अपनी जिंदगी और मौत से खेल रहा है, क्या उनका परिवार नहीं था? क्या उनके घर वाले नहीं थे? क्या उनके लिए ये जनता नहीं है? क्या हम सब देख नहीं रहे? और जो लोग कह रहे हैं इनकाउंटर, कोई भी इनकाउंटर ना तो आज तक प्रदेश की सरकार ने इल्लीगल वे में किया है, ना आगे करेगी, ना उसका सपोर्ट करती है। सीधा और साफ संदेश है कि अगर सामने से गोली चलेगी तो हमारा सिपाही, हमारा जवान सामने से गोली मारने के लिए खड़ा रहेगा और उसको किसी प्रकार की रोक टोक सरकार से नहीं है। जो गोली चलाए उसकी छाती पे गोली दाग दो। बेशक मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों के लिए सरकार अच्छा निर्णय ले और अच्छा काम करे। योगी जी ने जो कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, और ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देना चाहिए। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि कोई नायक थोड़ी है जो फिल्मों की शूटिंग की तरीके सरकार यूपी में चला रहे हैं, मतलब कि एक तरीके से फिल्मी डायलॉग बाजी कर रहे हैं ये तो योगी जी। मुझे तो लगता है अखिलेश यादव अभी सपने में है। अखिलेश यादव अभी तक भूल नहीं पाए कि उनकी सत्ता नहीं रही है। अखिलेश यादव भूल गए हैं कि इसी गुंडागर्दी, इसी अपराध के लिए उन्हें हटाया गया है। लोगों को ध्यान देना होगा कि जो भी सरकार अपराधियों का समर्थन करेगी, जो भी सरकार अपराधियों को पालेगी पोसेगी, अब देश की, प्रदेश की जनता जान चुकी है ऐसे लोगों का ना जनता साथ देने वाली है और ना ही ऐसे लोगों का कोई और साथ देने वाला है। और जो आप बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की,
तो मैं सबके लिए यही कहना चाहता हूँ, चाहे वो अखिलेश यादव हो या अन्य विरोधी दल हो या अन्य कोई राजनीतिक दल हो या अन्य कोई व्यक्ति हो, सबके लिए स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि कोई भी, अब वो दौर लद गया। आप जरा कल्पना करिए आम आदमी, कि आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके सामने बम गोली चलने लगे तो आम आदमी दहशत में आ जाएगा। आज आदमी जिसने उस दृश्य को देखा होगा, आप वीडियो देखे, एक बूढ़ा आदमी सीधा चला आ रहा है, जब गोली चली, एक दुकान पे एक अपराधी खड़ा होकर के सामान खरीद रहा है, वहाँ नाटक कर रहा है सामान खरीदने का, और उसके बाद धड़ाधड़ गोली चलाना शुरू कर देता है। जरा उसके कलेजे से जाके पूछिए, उस व्यक्ति से पूछिए जो उधर से गुजर रहा था, जिसने भी इस घटना को देखा है वो दहशत में है। पूरा प्रदेश दहशत में था जिस समय ये गोली चलाई गई, और ये केवल ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे खिलाफ जो खड़ा होगा, जो हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए खड़ा होगा, उसकी हत्या कर दी जाएगी। और जो को भी तो डर लग रहा है, अतीक की वाइफ को भी तो डर लग रहा है, वो कह रहे हैं कि हो सकता है एसएसपी और उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि हो सकता है ये लोग कुछ कर ना दें अतीक अहमद। देखिए, लोकतंत्र की व्यवस्था में चाहे वो अतीक अहमद की पत्नी हो या कोई भी हो, लोकतंत्र की व्यवस्था है, यदि आपको डर लग रहा है, आपने एप्लीकेशन दिया है, और अगर आप सही हैं तो आपकी सुरक्षा और रक्षा भी प्रदेश की जिम्मेदारी। लेकिन एक तरफ आप अपराधी भेज के किसी की हत्या कराएं, एक तरफ आप स्वयं अपराधी बन जाएं, एक तरफ आप स्वयं बंदूक उठा लें, एक तरफ आप बंदूक उठाकर किसी की जान लेने की सोचें, और सोचें कि जब आप किसी की जान लेंगे और आपकी रक्षा सुरक्षा होगी, तो कतई नहीं। ऐसा कोई भी व्यक्ति पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर सर उठाने का काम करता है, और ऐसा कोई भी अपराधी बंदूक उठाने का काम करता है, बंदूक चलाने का काम करता है, तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार से मेरा आग्रह भी है और मैं निवेदन भी करता हूँ, और प्रदेश सरकार कर भी रही है कि गोली, इसका जवाब गोली से देना। अच्छा, पुलिस तो, जानती और देगी। आप तो एडवोकेट हैं, कानून की बात करते हैं, तो ये मतलब कि इस तरीके का कानून में सही है? बिल्कुल कानून में है, ऐसा नहीं। आप देखो, पुलिस किस लिए बनी है, फोर्स किस लिए बनी है, हमारी आपकी सुरक्षा के लिए। और अगर कोई भी अपराधी सामने से गोली चलाएगा तो क्या ये पुलिस को हथियार किस लिए दिया गया है, बंदूकें किस लिए बनी है, ये जो व्यवस्थाएं किस लिए है, इसीलिए है ना कि अगर आपके ऊपर, यहाँ तक कि आत्मरक्षा का तो हमें स्वयं को अधिकार है, अगर हमारे ऊपर भी कोई हमला करे, हमारे ऊपर भी कोई, मुझे लगता है कि वो व्यक्ति मुझे जान से मार देगा, तो मुझे जो भी क्रिया प्रतिक्रिया उस समय लगती है, वो ठीक लगती है, वो मुझे करना पड़ेगा। अच्छा, प्रयागराज की अगर बात करें तो मतलब योगी सरकार के पहले की हम बात करते हैं, कोर्ट कचहरी में क्या व्यवस्था रहा करती थी, इन लोगों के खिलाफ चीज़ें दाखिल हो पाती थी कि नहीं, मुकदमा वगैरह लिखा जाता था कि नहीं, क्या ऐसा? देखिए, न्यायालय की जो प्रक्रिया रही है, चाहे वो सरकार के पहले रही हो चाहे वो बाद में रही हो, न्यायालय की प्रक्रिया जैसी थी वैसे है, वैसे ही रहेगी। न्यायालय की प्रक्रिया में कोई भी ना तो परिवर्तन है ना तो होगा। परिवर्तन केवल इतना आया है कि पहले लोग डरते थे, इस बात से डरते थे कि यदि हम गवाही देने जाएंगे तो हमारी हत्या कर दी जाएगी, जो कोशिश की गई है। लेकिन अब लोगों के अंदर भय मुक्त हुए हैं, लोगों के अंदर से डर दूर हुआ है कि नहीं, योगी बाबा की सरकार उत्तर प्रदेश में ऐसे कर्मयोगी की सरकार है जिसकी सरकार में पुलिस प्रशासन सख्त है, और अगर इस प्रकार की सोच कोई करता है कि किसी को गवाही के लिए अर्धब दे देगा, किसी को धमकी दे देगा, किसी को मार देगा, तो इस प्रकार की घटना के जवाब से, जो कल आपने देखा कि एक अपराधी ढेर हुआ, वो फूल की माला लेके नहीं था, जो आप कह रहे हैं इनकाउंटर कर दिया, ये क्या सही है क्या गलत है, नियमों में जब आप देखने जाएंगे तो नियम क्या है, नियम यही है कि जो सिपाही उन्हें पकड़ने गए थे उसे गोली से दाग देता, दो सिपाही हमारे और शहीद हो जाते, हमारा एक सिपाही की छाती पर अगर एक गोली चलेगी तो ऐसे अपराधियों की 100 गोली उसके सीने पर दाग देने का काम हमारे सिपाही को करना चाहिए, और करेंगे और कर रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए, इसको कतई ना तो ये कानून कहीं से मना करता है और ना कहीं कानूनी बाधा है। अच्छा, योगी जी के अलावा और किसी की सरकार होती तो ये सब हो पाता? आप खुद जानते हैं कि जैसा कि आज अखिलेश यादव जी ने कहा, जब योगी जी ने सदन में जवाब दिया, योगी जी ने पूरी सदन, पूरा देश, पूरा विश्व देख रहा था, जब उन्होंने कहा कि ऐसे माफियाओं को, ऐसे तुष्टिकरण की राजनीति को, ऐसे माफियाओं को फलने नहीं देंगे, फूलने नहीं देंगे, और उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे, तो क्या एक ऐसे व्यक्ति को, अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, क्या उनको शोभा देता है ये बात कहते हुए कि अगर आप माफियाओं को मिट्टी में मिलाएंगे तो आप गलत बोल रहे, वो कह रहे हैं गलत बोल रहे, माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो क्या माफियाओं को हम
फूलमाला लेके उनका कहेंगे आइए गोली मारिए, मुझे भी मार दीजिए और चले जाइए, ये अब नहीं चलने देंगे। खबर आ रही कि हो सकता है कि बुलडोजर भी चले, जो लोग मतलब कि चिन्हित किए गए हैं, कितना सही मामला है? देखिए, कानून में उत्तर प्रदेश की सरकार ने संकल्प लिया है कि हम अपराधियों को नेस्तानाबूद करेंगे, तो उस नेस्तानाबूद करने के क्रम में जो भी उपाय होगा वो तो सरकार करेगी। जब कोई अपराधी गोली चलाएगा तो आत्मरक्षा में पुलिस भी गोली चलाएगी। अब उस इनकाउंटर में अपराधी मारा जाए तो ऐसे में कुछ दल घड़ियालू आंसू बहाएं, ये जायज़ नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, उसके लिए जब सहानुभूति आप दिखाएंगे तो इसी तरह की दिन दहाड़े और भी घटनाएं देखने को मिलेंगी। इसलिए जनता को ऐसे लोगों को बिल्कुल नकार देना चाहिए और ऐसे दलों को भी नकार देना चाहिए और ऐसे नेताओं को भी आगे सबक सिखाना पड़ेगा। जो लोग जिनके साथ फ़ोटो वायरल हो रहे हैं और तमाम अपराधियों के दिख रहे हैं, आपको तो पता होगा कि जो सदन में घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं अपराधियों के लिए, उनके साथ फ़ोटो वायरल हुआ है इन्हीं अपराधियों का। हाँ, और अभी आपने सुना होगा कि कल जो है रामपुर CRPF कैंप पर जो हमला हुआ था जिसमें 3 आतंकवादियों को आजीवन कारावास निर्माणी न्यायालय ने सुनाया है, उसको इसी अखिलेश यादव की सरकार ने उन आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया था। ये घटना अगर अखिलेश यादव के परिवार के साथ घटती तो अखिलेश यादव को खुद समझना चाहिए ना इस बात को कि उनके परिवार पे क्या बीतती। वो 2 पुलिस वाले जो हमारे बेचारे, एक तो मौत के घाट चला गया और जो दूसरा जीवन से लड़ रहा है, उनके परिवार को भी तो जाके पूछे कि उनके उनकी दोस्त क्या था। आखिर यही दोस्त था ना कि उमेश पाल के साथ चल रहे थे, उमेश पाल के साथ वो भी पिस गए। तो संवेदना तो पहले जाके उनके घर में देना अखिलेश यादव। ये जो सदन में उनका कहना है कि ये फिल्मी डायलॉग है, ये फिल्मी डायलॉग फिल्म में चलते हैं, योगी जी कोई फिल्म दे के निर्देशक नहीं है, वो प्रदेश को चला रहे हैं। और आज जिस हिसाब से हमारा मिर्जापुर, हो सकता है मिर्जापुर 3 की शूटिंग हो रही हो यहाँ पे। देखिए, ये तो अखिलेश यादव जो कह दे उनके हिसाब से वही सही रहेगा, पर उनको अभी कुछ समय के बाद, अभी एक इनकाउंटर हुआ है, कुछ समय के बाद जब पूरे 9 इनकाउंटर हो जाएंगे तो उनको खुद अपने आप में समझ में आएगा ये फिल्मी शूटिंग हो रही थी कि ये रियल चीज़ें चल रही थी। वो इनकाउंटर हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैंगे? जब 9 लोग मिलकर 3 को मार सकते हैं तो हमारी इतनी बड़ी कानून की व्यवस्था, हमारी इतनी बड़ी पुलिस फोर्स जो लगी है, क्या वो 9 लोगों को डेर नहीं कर सकती? क्या हमारी फोर्स इतनी कमज़ोर हो गई है कि 9 लोगों को मार नहीं सकती? जब जवान हमारे लड़ते आएंगे बॉर्डर पे तो ये देख के नहीं लड़ते 1,00,000 लड़ रहे हैं कि 1 लड़ रहे हैं। अगर 1,00,000 अखिलेश जी को उनके जनाजे में जाने की तैयारी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए इस बात को। जवान ये नहीं देखता कि 1,00,000 सैनिक लड़ रहा है हमारे दुश्मन देश से, वो 1,00,000 को मारने का काम करता है, यहाँ तो 9 ही हैं केवल। मतलब आप लोग समर्थन में हैं इनकाउंटर? बिल्कुल समर्थन पे हैं। हमको अगर सुरक्षित सड़क पे चलना है, हमको अपने समाज को सुरक्षित देखना है तो उनको ढेर करना पड़ेगा। जब अधिवक्ता नहीं तो हत्या हो रही है, जब अधिवक्ता की हत्या हो रही है तो एक अधिवक्ता ही सुरक्षित नहीं है तो हम इनकाउंटर का समर्थन क्यों नहीं करेंगे? हमें मालूम है कि अब हालात हमारे, मतलब एक ड्रेस में एक अधिवक्ता को मारा गया जो न्यायालय से अपना काम निपटा करके अपने घर जा रहा था, सड़क पर मारा गया, वो सुरक्षित नहीं है। तो मतलब एक अधिवक्ता के ड्रेस और बैंड की भी अब हनक नहीं रही। हम काहे के कोर्ट ऑफिसर हैं? कोर्ट जब इतना लेंदी व्यवस्था, 20 साल हो गए राजीव पाल का मर्डर हुए और आज तक जो है उसमें किसी को सज़ा नहीं हुई, तो एक समय होता है ना, न्यायालय को भी अपने सिस्टम पर विचार करना चाहिए। आप लोग एक सिस्टम पर क्यों नहीं विचार करते कि जो इन लोगों के खिलाफ केस लड़ते हैं, इन अपराधियों का, उनको ही कोर्ट में ना घुसने दिया जाए? देखिए, ये न्याय का सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। यदि किसी के पास वकील नहीं होते हैं तो कोर्ट उनको वकील फ्री में उपलब्ध कराती है। सबको, भारत का संविधान ऐसा है कि सबको न्याय जो होता है एकदम पारदर्शी ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया से होता है, लेकिन जिस तरह से मुकदमों का बोझ है न्यायालयों पर और अधिवक्ता ही अब सुरक्षित नहीं है। आप कह रहे हैं कि न्याय पारदर्शिता से होता है, अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये मतलब कि अधिकारी लोग हैं, ये खुश करने के लिए जो काम कर रहे हैं। देखिए तो अखिलेश जी किसको, हाफिज सईद को खुश करना चाहते हैं क्या? आखिर अखिलेश जी जो आतंकवादियों को छोड़ रहे, संकट मोचन मंदिर पर बनारस में हमला हुआ उनके अपराधियों को छोड़, जो ट्रेन में ब्लास्ट हुआ उनके अपराधियों को छोड़ रहे थे, जो रामपुर CRPF कैंप पर हमला हुआ उनके, तो क्या अखिलेश जी हाफिज सईद को खुश करना चाहते हैं? किसको खुश करना, कि ओसामा बिन लादेन को खुश करना चाहते थे? आखिर अखिलेश जी
समाजवाद के नाम पर ये माफियावाद को जो बढ़ावा दे रहे हैं, अखिलेश जी को बार बार जनता ने उनकी औकात दिखाई है, 2024 में भी उनकी औकात दिखाएगी जनता यदि इसी तरह अखिलेश जी रहे तो। अखिलेश जी पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ के लंदन से आए हैं, हमें तो लगता है कि वो फीस देना भी जायज था उस कॉलेज को। अखिलेश जी को अपने भाषा पर लगाम लगाना होगा, नहीं जनता उनको 24 में भी सबक सिखा देगी। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव जी को लगाम लगाना होगा और वो कह रहे हैं कि योगी जी को लगाम लगा के बोलना चाहिए, ये मतलब कि खलनायक वाली बात करते रहते हैं पिक्चरों में, जैसे काम कर रहे हैं मिट्टी में मिला दूंगा, ये कोई मुख्यमंत्री की भाषा थोड़ी है। देखिए अपराधी के लिए कोई मतलब ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जिसे पुलिस जाए, जैसे अभी इनकाउंटर पर सवाल हो रहे थे कि भाई पुलिस लोग कहते हैं पुलिस फर्जी इनकाउंटर करती है, तो अपराधी यदि थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद खुद तो नहीं आएगा कि दरोगा जी आइए हमको पकड़ लीजिए, उसको तो सीढ़ी लगा घर में कूदना पड़ता है पुलिस को। तो देखिए सवाल करना बड़ा इस देश में आसान है, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिस तरह माफियावाद का पोषण किया जा रहा है दलों द्वारा, ये बिल्कुल ही निंदनीय कृत्य है। जो हमारे सिपाही शहीद हुए हैं उनके घर कोई नहीं नेता गया अभी तक, उनके आंसू पोंछने कोई नहीं गया, एक अधिवक्ता को मारा गया उसके घर कोई नहीं गया। इसलिए मैं मांग करता हूं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल तत्काल उत्तर प्रदेश में लागू होना चाहिए, अधिवक्ताओं की सुरक्षा जब सुनिश्चित होगी तभी हम अपराधियों के खिलाफ मुकदमा लड़ करके उनको उनके अंजाम तक पहुंचा पाएंगे और आम जनता को हम न्याय होता हुआ महसूस करा पाएंगे। दो कविता दो लाइन जरूर पढ़ूंगा कि शहादत से लिखा जिसने लहू की मे जबानी को, वतन उनको नमन करता उन वीरता की कहानी को, दिया तन मन वतन को लहू से छीट पाला है, कहीं तड़पन कहीं आंसू अब हर जर्रे में ज्वाला है, और लगा के देख सीने से गोलियों की मे जबानी को, पता चल जाएगा तुझको मिटा कैसे माँ का वो लाला है, पता चल जाएगा तुझको मिटा कैसे माँ का वो लाला है। और बहादुर था दिया जिसने जाने जिंदगानी को, वतन उनको नमन करता उन वीरता की कहानी को, वतन उनको नमन करता उन वीरता की कहानी को। मित्रों ऐसे वीर जवान जिसने अपनी जान दे दी उन सभी लोगों में, ये प्रयागराज के वकील हैं, जब बोलते हैं तो मतलब कि वही धड़ाधड़ वाली बातें बोलते हैं। ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बात कर रहे थे। अब जिस तरीके से एनकाउंटर को लेकर के सवाल उठाया गया, इन लोगों ने बताया कि ये उमेश पाल के हत्यारे जो हैं, इन लोगों ने एक वर्दी पर जिस तरीके से मतलब कोर्ट की भाषा कोर्ट की ड्रेस पहने हुए थे तब हत्या कर दी। जब कोर्ट की रक्षा करने वाले लोग, जब कानून की रक्षा करने वाले लोग सुरक्षित नहीं होंगे तो हम लोगों को भी एनकाउंटर का और योगी बाबा का समर्थन करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दरार।